हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो सीजीपीएससी मेंस में पेपर 7 है उसका पार्ट 1 जो कि अधिनियम वाला पार्ट है, अब हम वो सीरीज कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम जो है पेपर 7 का पार्ट 1 जो भी अधिनियम पार्ट दिया गया उसको एक एक करके हर अधिनियम को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को कवर करने जा रहे हैं। ये पार्ट एक स्कोरिंग पार्ट है जो हमारे सीजीपीएससी मेंस के जितने भी पेपर होते हैं, तो इस पार्ट को हम अच्छे से कवर करेंगे ताकि अधिनियम पार्ट से जो भी क्वेश्चन है हमसे बन जाए। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि इस अधिनियम से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में और अभी तक कितने क्वेश्चन बने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। हम यहाँ पर जो भी अधिनियम पार्ट है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा कवर करेंगे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। देखिए, इसको मैं आपको डिटेल में हर चीज एक एक धारा को बताऊंगा। अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए पेपर 7 का पार्ट 1 का, तो उसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं वहां से जाके ले सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सिविल अधिकार आखिर किसको बोला जाता है। तो सिविल अधिकार जो है धारा नंबर 2, जो इस अधिनियम की धारा नंबर 2 है, उसमें परिभाषाएं बताई गई है जिसमें सिविल अधिकार की परिभाषा दी गई है। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 17 बताता है अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी जो है उसके बारे में वर्णन करता है, किस तरीके से छुआछूत का निवारण किया गया है। तो आर्टिकल 17 जो है वही बताता है अस्पृश्यता का अंत। तो सिविल अधिकार क्या है कि आर्टिकल 17 के लागू होने के बाद, यानी अस्पृश्यता का अंत होने के बाद, किसी भी व्यक्ति को यदि अस्पृश्यता के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है तो उसके पास जो भी अधिकार है अपने बचाव के लिए वही उसका सिविल अधिकार है। ठीक है, यानी आर्टिकल नंबर 17 यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत का निवारण या अस्पृश्यता का अंत हो जाने के पश्चात किसी भी व्यक्ति को यदि अस्पृश्यता के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है तो उसके पास जो भी अधिकार उसके पास प्राप्त है उसको बोलते हैं सिविल अधिकार या सिविल राइट्स जिसको बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा अधिकार जो कि संविधान के अनुच्छेद 17 के लागू होने के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त हुए, यानी अस्पृश्यता का अंत होने के पश्चात या उसी के कारण जो भी अधिकार किसी व्यक्ति के पास है वही उसके सिविल राइट्स है, यानी सिविल अधिकार है। तो अगर यही क्वेश्चन पेपर में आता है कि एमपीपीएससी में पूछा भी गया है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सिविल अधिकार किसको बोला जाता है, तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत ऐसे सभी अधिकार जो कि अस्पृश्यता का निवारण या आर्टिकल 17 के लागू होने के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वो उसके सिविल अधिकार है। तो आपको यहां पर स्पेशली धारा मेंशन करना जरूरी है जब भी आप परिभाषा लिखे धारा 2 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गया सिविल अधिकार। अब हम देखते हैं दूसरी परिभाषा जो कि धारा नंबर 2 में ही बताई गई है, लोक मनोरंजन स्थल या लोक मनोरंजक स्थल किसको बोलते हैं। तो ऐसा स्थान जहां जनता को प्रवेश दिया जाता है और वहां वहां मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है, यानी कोई भी ऐसा स्थान जहां पर साधारण जनता को प्रवेश दिया जाता है और उस वहां पर जनता के मनोरंजन के लिए कुछ व्यवस्था की जाती है, वो सभी स्थान जो है लोक मनोरंजन स्थल या लोक मनोरंजक स्थल के रूप में जाने जाएंगे। जैसे कि प्रदर्शनी, नाटक, खेलकूद, तमाशा, कोई भी चीज हो जहां पर जनता को प्रवेश दिया जाता है और वहां पर स्पेशली जनता के लिए जो है उनके मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे स्थानों को लोक मनोरंजन स्थल के नाम से जाना जाएगा। ये भी धारा नंबर 2 में ही बताया गया है। अगला है लोक पूजा स्थल, ये भी धारा नंबर 2 में बताया गया। क्या है, ऐसा स्थान जो कि धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कोई भी स्थान जो किसी पर्टिकुलर किसी भी धर्म में वहां पर धार्मिक पूजा के रूप में वहां पर उस स्थान का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, या कोई भी स्थान जहां पर किसी धार्मिक पूजा को किया जाता है वो होगा उसका लोक पूजा स्थल या लोक पूजा स्थान। तो ये सब जितने भी हमने 3 परिभाषाएं पढ़ी हैं ये आपके पूरे अधिनियम में आगे प्रयोग होंगे, तो इसी के लिए इन परिभाषाओं को जानना जरूरी है। अलग से 2 नंबर में भी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती, सिविल अधिकार किसको बोलते हैं, लोक मनोरंजन स्थल किसको बोलते हैं या लोक पूजा स्थल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 परिभाषाएं आपको याद रखना है।
अगला जो हम देख रहे हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम लाने का उद्देश्य क्या है, यानी ये उद्देश्य यानी इस अधिनियम को लाए ही क्या गया, तो इसका उद्देश्य भी आपसे दो नंबर में पूछा जा सकता है कि इस सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अस्पृश्यता का प्रचार कर रहा है या खुद ही अस्पृश्यता का आचरण कर रहा है, या तो खुद वो अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहा है या किसी को उकसा रहा है कि आप ये काम करो, तो कोई भी व्यक्ति जो अस्पृश्यता का प्रचार कर रहा है या उसका आचरण कर रहा है तो उसको जो है दोषी बनाने के लिए यानी उसको दंड दिलवाने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। तो इसको किस तरीके से लिखना है आपको, अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने के कारण उत्पन्न हुई निर्योग्यता को लागू करने और उससे संबंधित बातों के लिए दंड देने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लाया गया है। सरल भाषा में आप क्या लिख सकते हो, कोई भी व्यक्ति जो अस्पृश्यता का प्रचार करता है या अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है या खुद अस्पृश्यता को करता है तो ऐसे व्यक्ति को दंड देने यानी उस व्यक्ति वो एक दोषी व्यक्ति हो गया क्योंकि वो अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहा है और हमारा संविधान अस्पृश्यता का अंत कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जो अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहा है तो उस व्यक्ति को दंड देने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लाया गया है। तो यही इस अधिनियम का उद्देश्य है। तो आपको अगर दो नंबर में पूछ रहा उद्देश्य तो ये जो लिखा है आपको वो लिखना पड़ेगा या अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। अगला देखते हैं धार्मिक निर्योग्यता लागू करने का दंड। धारा नंबर 3 में बताता है कि कोई व्यक्ति धार्मिक निर्योग्यता के तहत दोषी कब बोला जाएगा या धार्मिक रूप से निर्योग्य कब बोला जाएगा। तो यहां पर जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर धर्म का एक जगह है जैसे कि एक मंदिर हो गया, तो वहां पर जितने भी मंदिर में मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग जाते हैं जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, तो अगर हिंदू धर्म के लोग अपने ही मंदिर में किसी दूसरे हिंदू धर्म के व्यक्ति को जाने से रोकते हैं तो वो व्यक्ति जो है धार्मिक रूप से निर्योग्य कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में भी पढ़ते हैं उच्च जाति निम्न जाति, जब निम्न जाति के लोगों का मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा था पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, तो वहां पे मंदिर प्रवेश करने से रोका गया था। तो सेम अगर चीज अगर अब हो रही है ऐसी कि अगर किसी पर्टिकुलर निम्न जाति के व्यक्ति को जो है जो कि उसी धर्म को फॉलो कर रहा है जिस धर्म के लिए वो मंदिर बना है, तो वहां पर अगर उस व्यक्ति को जाने से रोका जाता है तो जो भी व्यक्ति उस वहां पे उस मंदिर में जाने से उस व्यक्ति को रोकेगा वो व्यक्ति धार्मिक रूप से निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी अब उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। क्लियर है? तो धार्मिक निर्योग्यता लागू करने का दंड क्या हो गया, अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर किसी एक धर्म को मान रहा है और उससे अपने ही धर्म के धार्मिक स्थल में जाने से रोका जा रहा है, तो जो भी व्यक्ति ऐसा करता है जिसको मतलब रोकने का कार्य कर रहा है तो वो व्यक्ति धार्मिक रूप से निर्योग्य माना जाएगा और उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। ठीक है? तो चाहे वो मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहा हो, मस्जिद में प्रवेश करने से रोक रहा हो, कोई भी पर्टिकुलर एक ही धर्म के होने चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जो हिंदू धर्म के व्यक्ति उनको मस्जिद जाने से रोक रहे तब धार्मिक निर्योग्यता लगेगा, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर सेम धर्म होना चाहिए और वो उसी धर्म का मानने वाला होना चाहिए और उसको अपने ही धार्मिक स्थल में प्रवेश करने से रोका जा रहा है तब वो धार्मिक रूप से निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको सजा कितनी मिलेगी, न्यूनतम 1 महीने की सजा हो सकती है, अधिकतम 6 महीने की सजा हो सकती है। जुर्माना कितना लग सकता है, न्यूनतम 100 रुपए और अधिकतम 500 रुपए। तो ये जो जब न्यायालय में केस चलेगा तो यहाँ पर जो न्यायाधीश होगा वो तय करेगा कि कितने किस रूप से वो धार्मिक रूप से निर्योग्य हुए, यानी कितनी सजा का उसके लिए प्रावधान होना चाहिए। तो न्यूनतम 1 महीने की सजा दे सकते हैं, अधिकतम 6 महीने की, या जुर्माना भी हो सकता है, न्यूनतम 100 रुपए अधिकतम 500 रुपए, या अगर जज चाहता है तो ये दोनों को साथ में भी दे सकता है। ठीक है? तो आपको याद रखना है ये धार्मिक निर्योग्यता के लिए दंड का प्रावधान है। अगला ये और ये आपको धारा नंबर 3 में बताया गया, ये MPPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं धारा नंबर 4 जो है सामाजिक निर्योग्यता को लागू करने का दंड। तो सामाजिक निर्योग्यता क्या होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ा था लोक मनोरंजन स्थल, तो अगर किसी व्यक्ति को लोक मनोरंजन स्थल क्या था हमने पढ़ा था, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो कि जनता के मनोरंजन के लिए खुला हुआ है और वहां पर जो है जनता के मनोरंजन का इंतजाम किया जाता है, अगर ऐसे स्थल पर लोक मनोरंजन स्थल पर किसी व्यक्ति को जाने से रोका जाता है, वो भी अस्पृश्यता के आधार पर रोका जाता है, तो उसको हम मानेंगे सामाजिक निर्योग्यता। ठीक है? जब किसी व्यक्ति को लोक मनोरंजन स्थल, दुकान हो गई,
सार्वजनिक सवारी हो गई, तालाब हो गया, नदी हो गया, कहीं भी जो सामाजिक रूप से वहां पर जो उनका स्थल है, चाहे वो मनोरंजन के लिए हो या उनके कोई भी दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, सार्वजनिक सवारी हो यानी कोई भी रेल हो या कोई भी स्थल हो, तालाब हो, नदी हो, अगर किसी व्यक्ति को उसकी अस्पृश्यता के कारण वहां जाने से रोका जाता है तो जो भी व्यक्ति अगर उसको रोक रहा है वो सामाजिक निर्योग्य कहलाएगा और उसके लिए भी इस अधिनियम के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। वही सेम सजा है, मिनिमम 1 महीना, मैक्सिमम 6 महीना, जुर्माना मिनिमम 100 रुपए, मैक्सिमम 500 रुपए, अगर जज चाहता है तो वो दोनों भी दे सकता है। ठीक है, धार्मिक निर्योग्यता लोक पूजा स्थल में जाने से रोकने के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोकता है तब वो धार्मिक निर्योग्य होगा। और सामाजिक निर्योग्य कब होगा, जब लोक मनोरंजन स्थल, नदी, तालाब या रेस्टोरेंट, कहीं भी जो सार्वजनिक जगहें होती है वहां जाने से उसको रोका जा रहा है तो वो सामाजिक रूप से निर्योग्य घोषित हो जाएगा। अगला देखते हैं जो धारा नंबर 5 है कि अस्पताल, छात्रावास, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने से रोकना। अगर किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर किसी अस्पताल में उपचार के लिए जा रहा है तो उसको रोक दिया जा रहा है कि नहीं, आपको उपचार करने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप अस्पृश्य हैं या निम्न जाति के हैं तो आपको यहाँ पे चिकित्सा सुविधा नहीं उपलब्ध होगी, या कोई भी शिक्षण संस्थाओं में जाने से रोक दिया जा रहा है, या उनको छात्रावास में रहने से रोक दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को कोई रोकता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत रोकने वाले व्यक्ति को मिनिमम 1 महीना, मैक्सिमम 6 महीना, जुर्माना मिनिमम 100 रुपए, मैक्सिमम 500 रुपए, या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक निर्योग्यता, सामाजिक निर्योग्यता, अस्पताल, छात्रावास और शिक्षण संस्थानों से में जाने से किसी को रोकना। तो ये अगर ये मान लीजिए ये सब जितने भी हमने सजाएं बताई हैं, ये जब कोई व्यक्ति पहली बार अपराध कर रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत तब उसके लिए है। लेकिन अगर मान लीजिए एक बार अपराधी जो है वो इनमें से कोई भी निर्योग्यता से मतलब सजा पा चुका है, यानी पहले उसने धार्मिक निर्योग्यता की उसमें सजा पा चुका है और इस अधिनियम के अंतर्गत वो दूसरी बार वही अपराध करता है तो उस व्यक्ति को जो है अब सजा बढ़ जाएगी। उस व्यक्ति अगर वो पहली बार इस अधिनियम का दोषी पाया जाता है तो उसको मिनिमम 1 महीने, मैक्सिमम 6 महीने की सजा मिलती है, जुर्माना मिनिमम 100 रुपए, मैक्सिमम 500 रुपए। ठीक है, लेकिन अगर वही व्यक्ति दूसरी बार करता है वही अपराध तो उसकी या इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उसको दूसरी बार में सजा मिनिमम 6 महीने की मिलेगी, मैक्सिमम 1 साल की मिलेगी, जुर्माना मिनिमम 200 रुपए, मैक्सिमम 500 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सजा मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल हो गई है और जुर्माना मिनिमम 200 रुपए, मैक्सिमम 500 रुपए। अगर वही व्यक्ति अब तीसरी बार इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया जाता है या तीसरी से ज्यादा बार, 3 से ज्यादा बार भी दोषी पाया जाता है तो उसको सजा जो होगी मिनिमम 1 वर्ष की होगी, मैक्सिमम 2 वर्ष की, और जुर्माना मिनिमम 500 रुपए, मैक्सिमम 1000 रुपए। जज चाहे तो ये दोनों को साथ में भी दे सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एक बार के लिए नॉर्मल सजा, दूसरी बार में सजा बढ़ते जाएगी, तीसरी बार में और बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी केस चलेगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उसकी सुनवाई सिविल न्यायालय में होगी। ठीक है, जैसे कि जो नॉर्मल सिविल न्यायालय होते हैं यानी सिविल केस, वहां पर ये चलेगी सुनवाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज इस अधिनियम में और याद रखनी है कि जैसे हमने पढ़ा कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि खुद अस्पृश्यता का प्रचार कर रहा हो, यानी खुद वो अपराध नहीं कर रहा है लेकिन किसी को उकसा रहा हो कि वो अस्पृश्यता से संबंधित कार्यों को करे, तो वो व्यक्ति जो किसी अस्पृश्यता का कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उकसा रहा है वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी माना जाएगा और उसको भी वही सजा होती है जो कि नॉर्मल जो उस अपराध को करता है वो होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उकसा रहा है अस्पृश्यता करने के लिए तो भी उसको मिनिमम जो नॉर्मल 1 माह की सजा, मैक्सिमम 6 महीने, जुर्माना मिनिमम 100 रुपए, मैक्सिमम 500 रुपए, सेम सजा होगी जो कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको होती है। ठीक है, अगला देखते हैं कि कोई भी अपराध जो होता है वो 2 श्रेणी में बांटा जाता है। एक होता है संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो संज्ञेय अपराध उसको बोलते हैं, पहली बात, जो ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो भी अपराध है वो एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय का अपराध का मतलब ये होता है कि ऐसा अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति को जब पुलिस गिरफ्तार करने जाएगी तो पुलिस को जो है वारंट की आवश्यकता नहीं होती,
यानी ऐसा अपराध कोई व्यक्ति जब करता है जिस जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने जाएगी तो पुलिस बिना वारंट के भी उसको गिरफ्तार कर सकती है, तो उस अपराध को बोलते हैं संज्ञेय अपराध। और असंज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाती है तो उसको सबसे पहले वारंट जारी होगा और वारंट के बाद जो है पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। ठीक है, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध किया जा रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है तो उसको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध होंगे वो एक संज्ञेय अपराध है। क्लियर है। अगला जो है कि इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाने की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है, यानी केंद्र सरकार जो है संसद से इस अधिनियम में जो भी चेंज कराना है, संशोधन कराना है, उसको अगर संसद से पारित करवा देती है तो उसके बाद जो है इस अधिनियम में बदलाव किया जा सकता है। तो नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है या आप संसद के पास भी कुल मिला के बोल सकते हैं। इसका विस्तार जो है पूरे भारत में है, यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पूरे भारत में लागू है। अगला है कि इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, इस अधिनियम में कुल 17 धाराएं और अनुसूची एक है। तो पूरी धारा आपको पढ़ने का कोई नहीं है, उसके नीचे नीचे की जो धारा जहां तक हम पढ़े हैं वही इंपॉर्टेंट और वही पेपर में पूछा जाता है। तो यहां पर यह बताने का मतलब ये है कि अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की कुछ विशेषताएं बताइए, तो जो भी हमने पूरा पढ़ा है वो पूरी ही इस अधिनियम की विशेषता, आप कोई भी विशेषता यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वहां पर ये काम आएगा कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संपूर्ण भारत में लागू है, इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 17 धाराएं और एक अनुसूची है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध है वो एक संज्ञेय अपराध है, अर्थात वहां पर किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको जो है पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी केस चलेंगे वो सिविल न्यायालय में चलेंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी धाराएं बताई गई है, उद्देश्य जो बताए गए आप वो लिख सकते हो, धारा 3 बता सकते हो, 4 बता सकते हो, 5 बता सकते हो, तो ये पूरी इस अधिनियम की ही विशेषता है। तो कभी भी विशेषता पूछेगा तो आप कुछ भी जो हम अधिनियम में जो भी चीजें पढ़े आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी आप लिखेंगे तो उसको क्रम से बताइएगा, यानी धारा नंबर या मतलब ये धारा नंबर 1 में ही बताया गया कि पूरे भारत में ये लागू किया गया, तो आप वहां से चालू करते हुए धारा वारा आप बता सकते हैं। तो ये था पूरा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। पेपर में एमपीपीएससी में इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, सीजीपीएससी में क्योंकि अभी तक एक बार ही पेपर हुआ है तो पिछले बार क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार इस पार्ट से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है, तो इसको आप अच्छे से कवर कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस पूरे पेपर से पार्ट 1 का नोट्स चाहिए तो उसका भी लिंक जो है कमेंट बॉक्स में आप वहां जाके ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।